आप लोग, मैं हूँ आपकी अपने रेट्स आ गई फिर से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के। सो गाइज, आज की जो वीडियो है ना बहुत ही रिस्की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के रिएक्शन बहुत ही फाड़ा है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि आपको पता है, न्यू ईयर आ गया और न्यू ईयर पे गिफ्ट देने का सीजन शुरू हो जाता है यार। तो यार, मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट। उसके लिए आप पूरी देखना इस एडवर्टीजमेंट को। तो गाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ आज एक ऐसी साइट के बारे में जिसका नाम है binani.com। यहाँ पर आप अपने पैसे डबल कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने और अपने घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट ले सकते हैं। तो यार, आप binani.com से पैसे कैसे कमा सकते हो ये मैं बताऊंगी आपको अब। तो गाइज, इसमें एक ग्राफ होता है। सबसे पहले हम करेंसी चूज़ करते हैं, फिर ग्राफ चूज़ करते हैं, फिर हम चूज़ करते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं चूज़ करूँगी ये यार ऊपर जाएगा। तो यार, मैं अब यार एक मिनट का वेट करूँगी, देखूँगी ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो गाइज, मैं आप सबके सामने जीत चुकी हूँ पूरे 9,000 रुपये। तो गाइज, देखा किस तरीके से मैंने आपके सामने पैसे कमाए। तो binani.com की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने जीते हुए पैसों को डायरेक्ट पेटीएम में विड्रॉल कर सकते हो। और गाइज, इसमें जैसे आप ऑर्डर करते हो आपके पैसे एकदम पेटीएम वॉलेट में आ जाएंगे। और यार, गिफ्ट के बारे में बात करें तो मेरे और Binani की साइट से अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके इसे फॉलो करते हो तो आपको मिलेगा पूरे 200% बोनस, वो भी आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो आप मिनिमम 300 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो, और डिपॉजिट आप अपने पेटीएम अकाउंट से भी कर सकते हो। और अगर आप 1,000 रुपीज डिपॉजिट करते हो तो आपके 1,000 रुपीज डबल हो जाएंगे, मतलब 2,000 रुपये। तो है ना कमाल का यार। तो रेडी हो जाओ अपने गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर इसको विजिट करो, चेकआउट करो binani.com को और बहुत सारे पैसे कमाओ। अंकल, क्या कर रहे हो यहाँ पे? बात कर रहे हैं अपने घर वालों से। घर वालों से मुझसे बात कर लो। मुझसे क्यों बात कर लूँ, तुम तो मेरे परिचय की हो नहीं। किसकी नहीं हो तुम? तो मेरे परिचय का नहीं, फिर तुमसे क्यों बात करूँ? परिचय की नहीं हो तो क्या हो गया, कर लो बात। वैसे आप, मैं दूर से देख रहे थे, आप बड़े सही लग रहे हो। अरे सही, सेक्सी अंकल लग रहे हो आप तो एकदम। अरे बोलने की भी कोई तमीज होनी चाहिए, मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ, है नहीं? तो अंकल क्या हो गया, पापा की उम्र के हो? मेरे पापा भी सेक्सी, आप भी सेक्सी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ऐसे शब्दावली का प्रयोग मत करना चाहिए। मैं तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ, लेकिन तुम कैसे बात करती हो, कहाँ जा रहे हो? आज कल की लड़कियाँ ऐसे ही बात करती है क्या? तो क्या हो गया, कल्चर का अभाव है क्या? अंकल देखो, अभी तो आप एकदम स्मार्ट लग रहे हो, बिल्कुल एकदम स्मार्ट। और आप मतलब, मैं तो सोच रही थी अंकल को आऊंगी, अंकल को थोड़ा सा मस्का लगाऊंगी, हम घूमेंगे फिरेंगे। अंकल क्या क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, पहली बात यह है कि आप अपने जैसे व्यवहार में चेंज कीजिए। हमारा भारतीय कल्चर है, इंडियन कल्चर। अच्छा। में नारी को कैसे बोलना चाहिए इस पर ध्यान रखना। मैं नारी नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। ठीक हो, लड़की हो, लेकिन बुढ़ी नारी तो होना ही है ना। लड़की कहने का, लड़की का कहने का अर्थ मेरा यह है कि आपको अपने कल्चर में रहना चाहिए। सीता सावित्री का क्या हमारे देश में रहा है? आप किस तरह की बात कर रहे हो, जैसे फॉरेन कल्चर की तरह बात कर रहे हो। तो फॉरेन कल्चर होना चाहिए ना इंडिया में, बिल्कुल कल्चर होना अच्छा चाहिए। लगता है? नहीं, अच्छा कैसे लगता है? उम्र में क्या पड़ा है अंकल, ये बताओ उम्र में क्या पड़ा है? विदेश में रहने वाले लोग हमारी कल्चर को अपना रहे हैं, और हम जैसे पश्चिमी सभ्यता को अपना कर किस दिशा में जा रहे हैं? अंकल मैं, मेरी बात सुनो, आप ये बात मत करो, भाषण मत दो यहाँ पे, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। देखो सीधी बात है, मैं वहाँ से देख रही थी आपको दूर से, आप बड़े सही सेक्सी अंकल लग रहे हो बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसे टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं करना है कि नहीं? कोई सुंदर हो सकता है, हालांकि मैं तो अब बुढ़ापा के एज में हूँ। बुढ़ापे में कहा हुआ आप? तो आप तो भरे, अरे अंकल उम्र से कुछ नहीं होता, भरी जवानी में हो अभी तो, आप अच्छे लग रहे हो। 50 ईयर पार कर चुका हूँ। तो क्या हो गया? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अंकल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 45 साल के 50 के मेरे को अच्छे लग रहे हैं। आपकी उम्र की मेरी बच्ची है। तो मत बताना ना बच्ची को, क्या हो गया? क्या बच्ची को मत बताना, मैं अपने परिवार से बच्ची को नहीं बताऊंगा, ऐसे काम क्यों मैं करूंगा जब जिस संस्कार में मेरा जन्म लिया। मतलब मेरे संस्कार बुरे हैं? बिल्कुल बुरे हैं। आप जाके इस तरह के न्यू जो टीनएजर्स है उस तरह से जाके आप अपना करो, मुझे आपके अंकल आप एकदम सेक्सी लग रहे हो। मेरी बात सुनो, उम्र का कुछ नहीं होता। अभी मैं कह रहा हूं, उम्र का लिहाज क्या है? शब्दावली को आप चेंज करो। उम्र का अंकल, उम्र का कोई लिहाज नहीं है। आप बिल्कुल साथ चलते चलते एक बार चल के तो देखो, साथ चलते आप अपनी शब्दावली को चेंज करो, ठीक है? अंकल मैंने तो चेंज ही करा, तभी तो मैं। पापा का नंबर दो। मेरे पापा का नंबर क्या करोगे? आपके पापा से मैं बात करता हूँ कि आपने ऐसे ही संस्कार अपने बच्चों को दिया है क्या? मेरे पापा बहुत दूर है, वहाँ पे रह रहे हैं दूर। अरे कहीं रहते हैं तो मोबाइल में कोई दूर थोड़े ही होता है। अरे मोबाइल नहीं मिलते ना वहाँ पे, पहाड़ी वाले इलाके में रहते हैं। इलाके में होंगे तो भी बात होगी, आप उसका एड्रेस दे दो, स्पीड पोस्ट कर दूंगा, बात कर लूंगा। मेरी बात सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम चलते हैं घूमते हैं साथ में, डेट वेट पे चलते हैं, कॉफी वूफी पे चलते हैं। ऐसी बात फिर भी मत करो, है कि नहीं? इस तरह की बात मत करो। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार में एक शिक्षक हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अंकल क्या हो गया, आप प्रिंसिपल हो तो संस्कार देता हूँ। मैं भी इस दुनिया की प्रिंसिपल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप संस्कृति को क्यों बढ़ावा दूँ? अब मेरी बात सुनो, आप उम्र का लिहाज कुछ नहीं होता, आप तो अभी भी एकदम
जवान लग रहे हो। उम्र की लिहाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मेरी संस्कृति इस तरह की नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं। क्या हो गया अंकल, फिर बच्चे है परिवार है तो हो गया, वो मेरे भी बच्चे हैं, छोड़ो बच्चों को। आपके बच्चे हैं नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, है नहीं। अच्छा आप मेरे को अपना बच्चा समझ के चलो, आओ चलो घूमने तो चलो इधर उधर। आप चलो एक बात मैं करता हूँ, आप मेरी बेटी की उम्र की हो, अगर अंकल मुझे तो आप कहीं से नहीं लग रहे की इतनी बड़ी उम्र के इतने सही लग रहे हो, मतलब कोई हद नहीं है। अगर आप मेरी बेटी की उम्र की हो, अगर बेटी की तरह चलने के लिए कहोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं अंकल मैं दूसरे वे में चलने की बात कर रही हूँ, बेटी वाली बात ही नहीं कर रही मैं। माफ करना है कि नहीं? माफ कैसे करूँ अंकल, बिल्कुल माफ करो। मेरी डिक्शनरी में माफ नहीं लिखा है। संस्कार सीखो, है नहीं, घर में जाके अपने संस्कार सीखो कि कैसे बड़े बुजुर्ग से बात की जाती है। नहीं अच्छा मेरे संस्कार बुरे हैं, मतलब आपके अच्छे हैं? बिल्कुल आपके संस्कार। अच्छा मतलब उम्र की बात कर रहे हो आप, सिर्फ उम्र, अगर मैंने बोल दिया कि अब मेरे साथ चलो तो मतलब मेरे संस्कार बुरे हैं? नहीं आपके साथ चलने की बात नहीं, तो कोई भी किसी को आ सकता है। चलने के लिए क्या आप अपाहिज है कि दिव्यांग है कि आपके साथ मैं जैसे चलूं? अगर वैसा होते तो मैं हाथ पकड़ के आपको पार करा देता। वाह वाह पार तो करा दो, यहाँ से एक बार हाथ पकड़ के यहाँ से आप दिव्यांग होते तो पार करा देता ना, आप तो दिव्यांग हो नहीं, तो फिर किसके लिए मैं आपको पार करा दूं? अंकल मैं दिव्यांग हूँ ये देखो। नहीं देखने से थोड़ी होता है, यू लुक लाइक सो स्मार्ट, है नहीं आप? तभी तो मैं कह रही हूँ मैं स्मार्ट लग रही हूँ। स्मार्ट का मतलब आपकी सुंदरता की मैं जैसे ये करूंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं सुंदर होना है। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो आप, जरूरी तो नहीं है ना कि मेरी उम्र के इन लड़के से मुझे प्यार हो। नहीं किसी से भी प्यार हो सकता है। मैं आपके प्यार में पढ़ने के, प्यार के पचरे में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। आप प्यार किससे मन करो उससे करो, या करती हो तो करती रहो। मेरे को तो आपसे प्यार हो गया है। बेटे में मत लो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति में मुझे जीने दो। अरे मुझे तो आपसे प्यार हो गया, मैं क्या करूँ? आपको प्यार हो गया नहीं, संस्कृति का जैसे है, आप जो जो कल्चर में पले हैं उसका प्रभाव है। प्यार ऐसे थोड़ा ही होता है, प्यार ठीक है, प्यार हो गया मैं मान लिया बात को, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो प्यार माता पिता का जो प्यार होना चाहिए, एक अंकल और आंटी अंकल के और बच्चे के जो प्यार होता है वो प्यार हो सकता है। अंकल अब तो आप मुझे शर्मसार कर रहे हो, बिल्कुल आप बता रही बिल्कुल वैसी बात ही अंकल कर रहे हैं। अभी भी आप स्मार्ट लग रहे हो, एकदम सेक्सी अंकल लग रहे हो, मैं बता रही हूँ बढ़िया लग रहे हो आप एकदम दिखने में। मैं ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार कर लिया, हालांकि अपनी सुंदरता के बारे में बड़ाई सुनना भी नहीं चाहिए। न मैं सुंदर हूँ, न मैं अपने आप को सुंदर समझता हूँ। सुंदरता किसी के सूरत से नहीं होती है, उसके अंदर व्यवहार से होती है। आप मेरे पापा का नंबर क्या करते हैं बताओ? आपको पापा का मैं फोन करता है कि नहीं, और बोलते कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो और इस तरह से किसी के साथ बात नहीं। मेरे संस्कार बुरे हैं मतलब? नहीं संस्कार मैं इतना एक बैग नहीं कर दूंगा क्या बुरे हैं, लेकिन अब संस्कृति की ओर आप जा रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये सामने है सीसीडी, चलो आप वहाँ पे फैल के सारी भारतीय वाली बात करेंगे। सुन लो मेरी बात। कहाँ जाके? ये सामने है कैफे लगा हुआ है सामने, कॉफी पीने के लिए। अच्छा। वहाँ जाके संस्कृति की बात करेंगे सारी, वहाँ जाके नारी संस्कृति की बात। इधर क्या बात हो रही है अंकल, तमाशा हो रहा है, सब देख रहे हैं ना, इसलिए कह रही हूं। इतना समय नहीं है कि मैं जाके जी सबको समझाता रहूं और सबके बारे में बताता रहूं। अच्छा है कि नहीं, मैं अपने से आया हूं कुछ काम से, मैं फिर यहां से दिल्ली से बिहार जाऊंगा। चल लो अंकल क्या दिक्कत हो जाएगी, मैं तुमको थप्पड़ लगा दूंगी यहां से, जल्दी भाग यहां से, नहीं तो मैं पिता की उम्र का हूं और फिर भी जैसे तुम मेरे साथ इस तरह की बात करती हो, जल्दी यहां से निकल, नंबर दे जल्दी, मैं तेरे पापा से बात करता हूं। पापा से क्या बात करोगे? मैं पापा से तुम्हें बात करूंगा, तुम इस तरह की संस्कृति के बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, ऐसे ही बोला जाता है किसी के साथ। कर लेना पापा को फोन, वहां बैठ के पापा को फोन मिलाएंगे मेरे। नहीं नहीं इसलिए कि कभी सोचते है ना कि इस दिल्ली के बारे में, मैंने सोचा था कि दिल्ली में इस तरह का होता है क्या, देखते थे यूट्यूब। दिल्ली बहुत अच्छा है, दिल्ली बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के संस्कार और संस्कृति देख कर मुझे अब लगता है कि मुझसे अच्छा तो इससे अच्छा तो मेरा बिहार ही है। दिल्ली बहुत अच्छा, बिहार भी बहुत अच्छा है, सारी जगह बहुत अच्छी है, पर मैं छोटा सा एक ना प्रैंक कर रही थी आपके साथ। अंकल आप तो पूरी सांस में एकदम बोल गए। नहीं आप मेरी पापा की उम्र की हो, मेरे को मैं थोड़ा मजाक करने के मूड में थी, वो देखो कैमरा लगा हुआ है सामने, हाय तो कर दो। और सॉरी अंकल अगर आपको बुरा लगा हो ना, मैं ऐसे मजाक करती रहती लोगों के साथ। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना कौन सा लगा यार। और तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अच्छे से वीडियो आते रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे, आपको भी हंसाते रहेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Binani makes your all dreams come true. The biggest winnings. Binani. Do you dream about rich car? About luxury traveling? Binani makes your all dreams come true.